टुडे आई सॉल्व क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर को सॉल्व करेंगे इससे पहले हम लोग वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू और वन पॉइंट थ्री को हम लोगों ने सॉल्व किया था यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं और साथ में हम लोग साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर दिए हैं नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर साइंस और इंग्लिश भी अब इस चैनल पर पढ़ सकते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग्स नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको यहां क्या करना है क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इरेशनल है ठीक है आपको पता होगा रेशनल किसको बोलते हैं इरेशनल किसको बोलते हैं क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में ही पहले ही आपको बता चुके हैं किससे हम रेशनल बोलेंगे और किसे इरेशनल बोलते हैं ठीक है हम क्वेश्चन को पहले से लिख करके रखे हुए हैं और इनको सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है है ना है, लेकिन क्या है Irational है इरेशनल तो याद रखिएगा कभी भी रेशनल और सब्ट्रैक्ट हो इरेशनल तो वो हमेशा क्या होगा इरेशनल ही होगा याद रहेगा ना क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रेशनल नहीं है इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है तो दोनों मिक्स होकर के क्या बनेगा वो हमारा इरेशनल ही बनने वाला है ठीक है तो फिर इसे क्या बोलेंगे ये हमारा इरेशनल है क्या है इरेशनल ठीक है समझ में आया इसका सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन है थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री ओके और माइनस रूट ट्वेंटी थ्री है अब यहाँ देखो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे ये थ्री है तो थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री और ये माइनस है तो माइनस रूट ट्वेंटी थ्री ये माइनस है और ये प्लस है कैंसिल क्या बच गया थ्री तो ये जो थ्री आया है ये क्या है सोचो ये जो थ्री आया है ये हमारा रेशनल है क्योंकि इसमें रूट तो नहीं लगा है तो फिर इसे बोल देंगे रेशनल क्या बोल देंगे रेशनल ठीक है अब आगे बढ़ो क्वेश्चन थर्ड इसका देखो टू रूट सेवन और सेवन रूट सेवन ओके अब इसको हम क्या करेंगे सल्व करेंगे कि टू रूट सेवन और सेवन रूट सेवन ठीक है अब देखो ये रूट सेवन और रूट सेवन कैंसिल अब टू बाई सेवन आपका बच गया तो इसे हम क्या करेंगे लिखेंगे टू बाई सेवन ठीक है अब ये जो टू बाई सेवन है ये क्या है इसमें रूट कहीं लगा है क्या नहीं लगा है तो फिर इसे क्या बोलेंगे रेशनल क्या बोलेंगे रेशनल ठीक है नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ है वन बाई रूट टू अब देखो तो नीचे क्या लगा है रूट तो रूट लगा है तो क्या रेशनल हो सकता है कि रेशनल हो सकता है एब्सोल्युटली इरेशनल ही होगा क्योंकि रूट लगा है तो बोलेंगे रेशनल क्या बोलेंगे इ ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखो क्वेश्चन टू है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अब इसमें जो क्वेश्चन आपको गिवेन है उनको सिंप्लीफाई करना है ठीक है सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसे अंत तक सॉल्व करो ठीक है फर्स्ट है थ्री प्लस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू इसका एक रूल होता है जो कि आप हमेशा याद रखिएगा ठीक है आपको यहाँ पर हम रफ में पढ़ा देते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी ऐसे है तो सबसे पहले ए को लेते हैं ए को हमने लिया और ए प्लस बी से मल्टीपल कराएंगे हमने ए प्लस बी से मल्टीपल कराया नेक्स्ट टाइम बी को लेंगे प्लस बी है और ए प्लस बी से हम मल्टीपल करा देंगे ठीक है ए और ए से करेंगे ए स्क्वायर ए और बी से करेंगे ए बी बी से और ए से करेंगे बी ए कहो चाहे बी कहो ए बी लिख लो और बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर ये देखो आपका आंसर होगा ठीक है तो यहाँ भी आपको यही काम करना है पहले थ्री लेंगे हमने क्या किया थ्री लिया इन पूरे से करा देंगे टू प्लस रूट टू ओके प्लस रूट थ्री है तो रूट थ्री हमने ले लिया अब इस पूरे से करा देंगे टू प्लस रूट टू अब देखो तो थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री को रूट टू से करेंगे तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि थ्री को ले जा के अंदर मल्टीपल कराएंगे और बोलेंगे रूट सिक्स लेकिन बिल्कुल ए ले है कैसे होगा सही राइट right होगा कि जो थ्री है ना ये बाहर रह गया क्योंकि रूट में नहीं जा सकता रूट को रूट के साथ ही मल्टीपल कराया जाता है बाहर वाले को बाहर के साथ ही ये बाहर है ना इसे आप ऐसे लिखोगे थ्री रूट टू लिख सकते हो ऐसा नहीं कि रूट सिक्स लिख दोगे थ्री टू जा ठीक है अब यहाँ देखो रूट थ्री और टू से करना है तो टू बाहर है ना तो टू को बाहर ही रखेंगे और ये होगा थ्री अब ये देखो रूट में भी है रूट में भी है इसको कर दो अंदर रूट सिक्स हो जाएगा ठीक है अब ये देखो आपका फाइनल आंसर क्योंकि अब इसे आगे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के सब अपोजिट है मतलब सिक्स है ना इसके जैसा देखो कोई नहीं है सिक्स यहाँ है लेकिन रूट में है तो इसके, इसके जैसा तो नहीं है एक जैसा होना चाहिए यहाँ थ्री रूट टू है तो यहाँ टू रूट थ्री है मतलब अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए था सेम तब इसको ऐड कर सकते थे सभी यहां पर जो भी नंबर है अलग अलग है इसको हम ऐड नहीं कर सकते आपका इतना ही वर आंसर ठीक है चलो इसका सेकंड सेकंड क्वेश्चन है थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री ठीक है ये आपका क्वेश्चन है सबसे पहले थ्री को लेंगे और थ्री माइनस रूट थ्री से करा देंगे मल्टीपल अगेन रूट थ्री लेंगे अगेन हमने रूट थ्री लिया फिर इससे करा देंगे थ्री माइनस रूट थ्री ओके अब थ्री को थ्री से कराएंगे क्या होगा नाइन थ्री को रूट थ्री से करेंगे थ्री रूट थ्री प्लस थ्री को रूट थ्री से करेंगे ये भी होगा थ्री रूट थ्री और रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे ये होगा रूट नाइन यहाँ देखो ये यह नाइन ये माइनस है और ये प्लस है दोनों एक जैसा है कैंसिल यहाँ माइनस रहेगा रूट नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है थ्री यहां से क्या आ जाएगा सिक्स ये आपका आंसर ठीक है किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना सबको बातें समझ में आ रही है बहुत बढ़िया अब चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ओके थर्ड क्या है रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर ठीक है अब क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ तक उम्मीद है हमें कि आप लोगों के याद होगा क्योंकि बच्चे से पढ़ते आ रहे हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको याद नहीं रहेगा मेरे भाई प्लस बी स्क्वायर ओके तो ये लेट कर लो ए और ये लेट कर लो पी और इस फार्मूला पर इसे रख दो तो सबसे पहले रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए का लेट किया है रूट फाइव और बी लेट कर लिया रूट टू तो टू ए भी हो गया अब प्लस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर अब इसे सॉल्व कर डालो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस ये टू का टू अंदर वाला रूट को फाइव टू जा टेन और ए रूट फोर यहां से ये फाइव हो जाएगा और टू रूट टेन हो जाएगा और ए टू हो जाएगा यहां से फाइव और टू फाइव और टू कितना होगा सेवन प्लस टू रूट टेन ये आपका आंसर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर देखते हैं फोर क्या है रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू ओके अब देखो तो रूट फाइव को लेंगे ये हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस रूट टू को लेंगे तो रूट फाइव प्लस रूट टू ओके सबको तब करने आएगा ये सब चीजें बहुत ये तो मतलब बहुत ईजी हो गया रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे ट्वेंटी फाइव रूट फाइव को टू से करेंगे टेन इसको करेंगे टेन इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रूट फोर रूट ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव टेन का तो हो नहीं सकता इस टेन का हो नहीं सकता लेकिन माइनस है रूट टू का फोर का हो जाएगा टू या माइनस प्लस कैंसिल फाइव में से टू जाएगा थ्री अफ आंसर हो गया तो ये सब देखो इजी है बहुत इजी है इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ये हो गया कंप्लीट अब आइए थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी डेट इज पाई इक्वल टू सी वाई डी दिस सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट डेट पाई इज इरेशनल हाउ हाउ यू रिसल्व दिस कंट्राडिक्शन देखो आपको मतलब एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आने वाला बस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाई जो है और ए सी बाई डी है ये क्या होते हैं तो देखो आपको हम पहले तो बता दें कि इसका जो आंसर होगा पाई इज इ रेशनल पाई जो होता है इ होता है ठीक है आप इतना ही आपसे आंसर पूछा जा रहा है लेकिन इसको थोड़ा हम डीपली में जाते हैं एक मान लो सरकम फ्रेंस है ये ठीक है अब सरकम फ्रेंस में यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है केंद्र होता है सेंटर होता है ठीक है अब इस सेंटर से ये जो होता है ना ये जो जाता है ये क्या बोलते हैं इससे हम डाई बोलते हैं डी और इस सेंटर से इधर जाने वाला इस यहाँ से बस यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं आर ठीक है कि जो यहाँ से सारे जो रेडियस निकलेंगे इस सेंटर से वो सारे क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है क्या होंगे इक्वल होंगे तो वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी है पाई इक्वल टू सी बाई डी है तो बताइए आप इसे क्या बोलोगे ठीक है तो यहाँ पर सी और डी भी जो होंगे वो भी क्या होंगे इरेशनल ही होंगे इसलिए हम बोलेंगे कि पाई इज इरेशनल बस आपका इतना ही था और इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं था क्वेश्चन में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं क्वेश्चन फाइव है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग अब रेशनलाइज क्या होते हैं इसको थोड़ा डीपली में देखना ठीक है वन बाय रूट सेवन है और इसको रेशनलाइज करना है किनको डिनोमिनेटर को नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर ठीक है तो हम इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है ना उसको आप एक बार लिख लो अब रेशनलाइज करो जो नीचे है ना उसको सेम ऊपर रखो और जो ऊपर रखे हो सेम नीचे रखो ये हो गया रेशनलाइज ठीक है अब चलो वन से रूट सेवन से करेंगे ये होगा रूट सेवन रूट सेवन को रूट सेवन से करेंगे क्या होगा रूट फोर्टी नाइन तो यहाँ से रूट सेवन और फोर्टी नाइन का कितना होगा सेवन स्क्वायर रूट सेवन होगा ये आपका आंसर ठीक है समझ में आया सबको क्वेश्चन टू देखो क्वेश्चन टू है वन बाई रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है ठीक है इसको रेसनलाइज करना है ना तो सबसे पहले इसको एक बार राइट करेंगे रूट सेवन माइनस रूट सिक्स इन अब इसको करेंगे रूट सेवन और ये माइनस है तो क्या होगा सिक्स नीचे सेम कंडीशन रूट सेवन प्लस रूट सिक्स ठीक है अब इसको क्या करेंगे मल्टीपल वन से इतना से करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स नीचे देखो ए लेट करो ए और ए बी और ए और बी आपको याद होगा शायद भूल भी गए होंगे ऐसा थोड़ी है कि आपको याद ही रहेगा याद होगा ये फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी सिक्स का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ भी सेम कंडीशन है एक माइनस में एक प्लस में तो ए वाला फार्मूला लगा देंगे ए का वैल्यू क्या है रूट सेवन तो रूट सेवन का स्क्वायर अब बी का वैल्यू रूट सिक्स रूट सिक्स का स्क्वायर कर दिए करने तो आएगा सबको चलो तो ऊपर में रूट सेवन प्लस रूट सिक्स आया है और रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे तो रूट फोर्टी नाइन और रूट सिक्स का करेंगे तो थर्टी सिक्स तो यहाँ से रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई फोर्टी नाइन का सेवन और थर्टी सिक्स का वन यानी यहाँ से सिक्स ना सिक्स तो यहाँ से रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई वन आपका आंसर ठीक है और इतना आप डिवाइड करोगे वन से तो उतना ही नंबर आएगा ओके थर्ड देखो थर्ड क्या है वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन टू किया ना वैसे भी बनने वाला है ठीक है सबसे पहले वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू इन रूट फाइव माइनस क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाता है जो ऊपर वहीं सेम नीचे ठीक है तो आप इसे करना ठीक है ना कर सकते हो ना कि हम कर दें चलो कर ही देते हैं ना तो आपको सर छोड़ क्यों दिए वन सर इतना सा करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे ना क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी वहीं सेम फार्मूला तो रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर अब देखो तो ऊपर जो है उसको एक बार राइट करेंगे रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट ट्वेंटी फाइव रूट टू का करेंगे तो फोर तो रूट फाइव माइनस रूट टू और ट्वेंटी फाइव का फाइव हो जाएगा और इसका हो जाएगा टू तो यहाँ से रूट फाइव माइनस है तो माइनस रूट टू बटे थ्री आपका आंसर ओके okay. अब एक लास्ट क्वेश्चन है फोर फोर क्या है वन बाई रूट सेवन माइनस टू सेम वैसा ही इसको बनाएंगे वन बाई रूट सेवन माइनस टू रेसलाइज कर देंगे माइनस है तो बस प्लस कर देंगे जो ऊपर वो नीचे ऊपर ज्यों का त्यों हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा सेवन का स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू और यहाँ से रूट फोर्टी नाइन माइनस फोर यहाँ से कितना हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू फोर्टी नाइन का सेवन हो जाएगा और ये यह फोर यहाँ से रूट सेवन प्लस टू वाई आ गया आपका आंसर ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रेसनलाइज आ गया होगा रेसनलाइज बहुत ईजी होता है आगे भी आपको बहुत अभी मिलने वाला है ठीक है तो ये था एन एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर और आई होप कि आप लोग को समझ में सारे क्वेश्चन आ गया होगा और जो लोग चाहते हैं कि हम ऐप पर लाइव क्लास करें ओके तो लाइव क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं उसके लिए मात्र आपको फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ लगेगा पूरा फुल कोर्स आपका होगा ये फोर नाइन्टी नाइन में जब तक आप टेंथ में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फी है और लाइव क्लास मिलेगा नोट्स आपको मिलेगा डाउट क्लास मिलेगा बहुत सारे सुविधा आपको मिलेंगे फोर नाइन्टी नाइन में जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द जा कर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कार्ब अकाडमी ऐप का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पर जाइए कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करिए और आप वहाँ से अपना क्लास शुरू करिए ठीक है चलिए मिलते ने हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच